आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य का पार्ट वन है। इसके बाद पार्ट टू थ्री करके जितने भी टाइप बन सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोगों को चैनल पर देखने को मिलेंगे। सरल से कठिन की तरफ, ठीक है, यानी सारे प्रश्न और बहुत ही आसान तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। किसी भी तरीके से आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। देखिए यहाँ पर राम की जो कार्य क्षमता बताई गई है यानी 8 घंटे में वो कर सकता है। कितने घंटे में, तो 8 लिख देंगे। श्याम उस कार्य को कितने घंटे में करेगा, तो बताएंगे आप 12 घंटे में काम कर लेता है। ठीक है, अगर दोनों एक साथ में काम करें तो वो कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर इनका निकालना है एलसीएम यानी लसा निकालना है। तो 8 और 12 का लसा होता है 24 होता है। लसा वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया कट जाती है, जैसे 8 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो 8 से कितनी बार लग जाएगी, 3 बार। 12 से कितनी बार लग जाएगी, 2 बार लग जाएगी। अब बोला गया था राम और श्याम दोनों मिलकर एक साथ करें, बोला गया ना यहाँ पर दोनों एक साथ काम करें तो कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राम की एफिशिएंसी निकल के आई है एक दिन की, वो 3 है, और श्याम की निकल के आई है 2। यानी दोनों एक साथ अगर काम करें तो एक दिन की दोनों के द्वारा एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, राम और श्याम की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 5 हो जाएगा। तो राम और श्याम की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 5। और जो हमारा एलसीएम होता है वही टोटल कार्य होता है। ठीक है, कुल कार्य यहाँ पर कितना करना है तो देखेंगे 24। तो अब कितने घंटे में कार्य वो पूरा हो जाएगा, तो कुल कार्य को भाग देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कुल कार्य हमारा था 24, और यहाँ पर एक दिन की राम और श्याम की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों अगर एक साथ में काम करते हैं 5, तो 5 से इसे हम भाग देंगे तो कितनी बार लग जाएगा, 5 × 20, और बच जाएगा ऊपर 4, और यहाँ पर बचेगा 5। तो इतने दिन में वह कार्य कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो 4 × 5 दिन में कार्य जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, रीता गीता मीता क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। ये क्रमशः बताया गया, यानी रीता जो है 10 घंटे में काम कंप्लीट कर लेती है, सेम काम को गीता जो है 12 घंटे में करती है, और यहाँ पर मीता जो है 15 घंटे में करती है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हमें बताना है कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए रीता के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो 10 घंटे में, और गीता के द्वारा यहाँ पे 12 घंटे में किया जा रहा है, और मीता जो हैं उस काम को 15 घंटे में समाप्त करती हैं। तो इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पर इन तीनों का निकालेंगे लसा निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान देनी है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। 10 से अब यहाँ पर इनका लसा कितना हो जाएगा, 10, 12, 15 का, तो आप बताएंगे 60 हो जाएगा। लसा कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो 10 × 60 यानी ये 6 बार लग जाएगा। यहाँ पर 12 × 5 = 60 हो जाएगा, 15 × 4 = 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 से 60 को जो भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। तो इस तरीके से इनकी कार्य की एफिशिएंसी आ चुकी है। ठीक है, अब तीनों को बोला गया यदि तीनों एक साथ काम करें, यानी रीता प्लस गीता प्लस मीता की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो इनकी जो एफिशिएंसी यहाँ पर दी गई है इन सभी की एफिशिएंसी को जोड़ लेंगे। तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 × 4 = 10 और 5 = 15, कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो इन तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 15। और यहाँ पूछा गया है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो यहाँ पर टोटल कार्य कितना हो गया, कुल 60 ही हमारा है। जो एलसीएम निकालते हैं वही हमारा कुल कार्य होता है तीनों के द्वारा। तो यहाँ पर टोटल कार्य को तीनों की जो एफिशिएंसी है उससे हम भाग देते हैं। ठीक है, तो 15 से भाग देंगे, 15 × 15 और 15 × 4 = 60, यानी 4 दिन में कार्य वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने आंसर निकाल लिया, तो 4 दिन में वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ उसे 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं,
यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है क्योंकि इस पर आधारित दो प्रश्न लेकर आए हैं, दोनों प्रश्नों को सॉल्व करना है। पहला प्रश्न ये है, इसके बाद चौथा भी इसी पर आधारित है। तो ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 20 दिन में करते हैं। बी और सी, यहाँ पर बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। सी प्लस ए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये 15 दिन हो जाएगा। इन तीनों का यहाँ पे लासा कितना निकलेगा, तो आप बताएंगे 60 लासा निकलेगा। ठीक है, तीनों का लासा कितना निकल के आ गया, 60। तो 20 तियाँ 60 हो जाएगा और 12 पंचे 60 हो जाएगा, 15 चौके यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60 हो गया और 15 चौके 60 हो गया और 20 तियाँ 60। तो इस तरीके से इनकी कार्य की एफिशिएंसी आ गई, सभी की हमने कार्य की एफिशिएंसी यहाँ पर निकाल ली है कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर से अब देखिए, अब यहाँ पर ऊपर की जितने भी यहाँ पर दो दो बार आए हैं यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर इनकी कार्य की एफिशिएंसी आ गई है। तो यहाँ पर ए कितनी बार आए, दो बार। तो इसमें करना क्या होता है, ऊपर के यहाँ पर जितने भी टर्म होते हैं इन सभी को आपस में जोड़ना होता है। अब ये दो दो बार आए हैं तो हम एक साथ में लिख लेते हैं। देखिए, ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी है, ठीक है, बी यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, सी, यानी 2a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा प्लस 2c हो जाएगा, और उनकी टोटल एफिशिएंसी एक साइड में लिखी जाती है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 4 9 9 3 हो जाएगा 12। तो 12 यहाँ पर लिख देंगे। अब दो कॉमन है सभी में, निकाल लेंगे। तो यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 हो जाएगा। अब दो से ये कट जाएगा, दो कम दो और दो छंग 12, क्योंकि इधर जाएगा भाग में। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 6। यानी तीनों एक साथ अगर काम करते हैं उसकी एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, 6 आ गई है। ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, तो 6 बताएंगे। और टोटल काम कितना था यहाँ पर, तो बताएंगे 60। तो तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पर 6 है एक दिन की, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो एफिशिएंसी से इसे भाग दे देंगे टोटल वर्क को, 6 कम 6 और 6 दशम 60, यानी 10 दिन में वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिनों में, 10 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं, श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में, मोहन और राम एक साथ उसे 20 दिन में करते हैं, बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में कर लेगा। देखिए, राम और श्याम एक साथ काम करते हैं तो 10 दिन में कर लेते हैं, कितने दिन में, 10 दिन में। श्याम और मोहन, तो श्याम प्लस मोहन एक साथ अगर काम करते हैं तो उस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। मोहन और राम, मोहन प्लस राम एक साथ में काम करते हैं तो 20 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में पूछा गया मोहन उस काम को कितने दिन में कर लेगा, ठीक है, मोहन अकेला अगर काम करे तो कितने दिन में उस काम को कर लेगा। तो चलिए यहाँ से हम इनका लसा निकालते हैं। देखिए, 10 15 और 20 का लसा निकल के कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 60 निकलेगा। तो 10 छंगा 60 निकलेगा, 15 चौके यहाँ पर 60 होगा और 20 तियाँ 60 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से निकाल लिया, जैसा कि क्वेश्चन नंबर हमने 3 सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, आर यानी राम जो है दो बार आए हैं, श्याम दो बार आए हैं, मोहन दो बार आए हैं, इसलिए यहाँ पर 2R लिखेंगे, यानी 2R हो जाएंगे, यानी दो बार राम आएगा प्लस दो बार श्याम आएंगे प्लस दो बार मोहन आएंगे, और टोटल इनकी एफिशिएंसी जो है ये जोड़ करके हम इधर लिखते हैं। तो 6 4 10 3 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13। यहाँ पे दो इसमें कॉमन है, तो R यानी मोह यहाँ पर हो जाएंगे राम श्याम प्लस मोहन, और बराबर में हो जाएगा 13। अब ये इधर गुणे में, इधर जाएगा भाग में, यानी राम प्लस श्याम प्लस मोहन बराबर 13/2 कितना हो जाएगा, 2। यानी तीनों की एफिशिएंसी एक दिन की आ गई है 13/2, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया मोहन काम निकालना है, काम पूछा गया कि मोहन कितने दिन में कर सकता है, तो राम और श्याम की एफिशिएंसी यहाँ पर 6 निकली थी। तो राम और श्याम की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी निकली थी, 6। अगर इस 6 को यहाँ पर रख दें और इसमें से घटा दें तो यहाँ पर मोहन की एफिशिएंसी निकल आएगी।
तो 6 को यहाँ पर भेजेंगे तो इधर प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, क्योंकि राम और श्याम की एफिशिएंसी कितनी है 6, और 6 को हम इधर भेजेंगे तो माइनस में, तो मोहन की निकल आएगी तो 13/2 माइनस 6। जब सॉल्व करेंगे तो 2×6=12 उधर हो जाएगा, यानी 13 - 12 और 2×2, तो इस तरीके से देखा जाए 13 से 12 गया बचा 1 और नीचे 2 था यानी 1/2, तो मोहन की एफिशिएंसी जो निकल के आ गई है वो 1/2 है। ठीक है, मोहन अकेले अगर कुल कार्य को कंप्लीट करता है तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा वो कार्य कर लेगा, तो यहाँ पर कुल कार्य है 60 और मोहन की एफिशिएंसी 1/2, तो यहाँ पर मोहन की एफिशिएंसी निकालने के लिए कुल कार्य को भाग देना है मोहन की एफिशिएंसी से, तो भाग देने में 1/2 लिखेंगे तो 60 हो जाएगा। अब ये साइन चेंज हो जाएगा, गुड़े में हो जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, तो 60 दूना हो जाएगा 120। ये स्टेप इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए, कुछ लोग मैं से डरते हैं ना, इसलिए हम सारे स्टेप लिख रहे हैं कि ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे शब्दों में ये चीज़ें सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आंसर हमारा निकल चुका है 120 दिन, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1/2 से भाग देंगे 60 को तो 120 दिन आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।